हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया वो है L&T इन्फोटेक Q4 रिजल्ट्स 2021 स्टॉक टू बाय नाउ। ये स्टॉक को मैंने पहले भी मेरे कई सारे वीडियोस में रेकमेंड किया है। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक है। और जब भी हम IT सेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो जायंट कंपनीज है IT सेक्टर के, जो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है, वेल एस्टैब्लिश स्टॉक्स है, जैसे इन्फोसिस, TCS कह सकते हैं, टेक महिंद्रा, विप्रो, HCL टेक, ये पाँच बड़े दिग्गज है IT सेक्टर के जिसका नाम सबसे पहले आता है। लेकिन एक कंपनी बहुत ही अनपॉपुलर कंपनी है, लेकिन अगर रिटर्न्स प्रोफाइल कंपेयर करें एज कम्पेयर टू दिस 5 जायंट्स ऑफ IT सेक्टर, इस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया और कम टाइम में रिटर्न दिया है। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और L&T ग्रुप से जुड़ा हुआ स्टॉक है, L&T का ही स्टॉक है कह सकते हैं। और ऐसा स्टॉक है जिसने शॉर्ट ड्यूरेशन में काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। लेकिन उसके बावजूद अगर 10 इन्वेस्टर को पूछे तो 10 में से 8 इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक आपको नहीं मिलेगा। HCL टेक मिल जाएगा, टेक महिंद्रा मिल जाएगा, इन्फोसिस मिल जाएगा, लेकिन ये स्टॉक बहुत रेयरली सिनेरियो में मिलेगा क्योंकि बहुत ही अनपॉपुलर स्टॉक्स है। और मेरा जो फोकस रहता है किसी भी पोर्टफोलियो को मैनेज करने का, वो ज़्यादा करके ऐसे स्टॉक्स का रहता है, वो डेट फ्री स्टॉक्स है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और जो अनपॉपुलर स्टॉक्स है जिसने रिटर्न ज़्यादा दिया एज़ कम्पेयर टू जायंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर। तो आपका भी फोकस ऐसे स्टॉक्स पे कुछ सेट ऑफ कैपिटल के लिए रखिए ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिले और पीरियोडिक इनकम अच्छा जनरेट हो। ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो की शुरुआत में ही पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि दिन में 2 बार कुछ ना कुछ छोटी लर्निंग्स मिले और वीकली ऐसे 7 से 8 बड़े वीडियोस मिले जिससे आपका स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों बेहतर हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नए सब्सक्राइबर्स को अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं एक SEBI रजिस्टर्ड ऑथराइज पर्सन हूँ सिंस 2007, एसोसिएटेड विद वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रोकिंग फर्म्स इन इंडिया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड मैनेजर, SIP मैनेजर, एडवाइजरी प्रोडक्ट्स है काफ़ी सारे हमारे कंपनी के, और हमारी कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल सी इनसाइट्स ऑन Q4 रिजल्ट्स ऑफ L&T इन्फोटेक विच केम ऑन 4th May 2021, यानी कि कल के दिन पे कल शाम को ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है कंपनी की तरफ से। दिस स्टॉक हैज़ बीन रिकमेंडेड बाई मी इन मैनी ऑफ माई प्रीवियस वीडियो। दिस स्टॉक इज डेट फ्री स्टॉक एंड हैज ऑल 7 फंडामेंटल पैरामीटर्स, यानी कि जो 7 पैरामीटर्स चाहिए फंडामेंटली फुलफिल होने चाहिए वो सभी फुलफिल हो रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। दिस स्टॉक हैज बीन गिवन मोर रिटर्न्स देन इट्स कॉम्पिटिटर्स लाइक इन्फोसिस, TCS, HCL, टेक महिंद्रा एंड विप्रो। दिस स्टॉक हैज स्ट्रॉन्ग फ्यूचर इंप्लीकेशंस एंड वन शुड इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक्स फॉर एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स विद सम पार्ट ऑफ द कैपिटल एंड रेस्ट कैन बी यूज फॉर पीरियडिक इनकम जनरेशन। यानी कि अगर आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ अमाउंट इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, उसमें से भी आप बायफर्केशन कीजिए, डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, कुछ सेट ऑफ क्वांटिटी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, मीडियम टर्म के लिए होल्ड कीजिए, और कुछ सेट ऑफ क्वांटिटी में इन एंड आउट कीजिए एज पर द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक एंड एज पर द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, ताकि आपको पीरियडिक इनकम भी जनरेट हो साथ ही में लॉन्ग टर्म गेन भी अच्छा मिले ऐसे स्टॉक्स में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में ही कंपनी ने सबसे पहले डिविडेंड डिक्लेयर किया है कल के दिन पे। जैसे ही बोर्ड मीटिंग चालू हुआ था, सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो है 25 रुपीज़ का डिविडेंड पर शेयर दिया है, यानी ऑलमोस्ट फेस वैल्यू है 1 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 2500% रिटर्न दिया है इस पर्टिकुलर डिविडेंड दिया है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने कल अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को। तो ₹25 का डिविडेंड बहुत ही अट्रैक्टिव डिविडेंड है, सबसे पहला ये पॉइंट समझ लीजिए। रिकॉर्डेड अब तक आया नहीं क्योंकि ये फाइनल डिविडेंड है, रिकॉर्ड डेट जैसे ही अनाउंस होगा वैसे सभी शेयर होल्डर्स को पता चल जाएगा और उनके बैंक अकाउंट में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में वो पर्टिकुलर डिविडेंड जमा हो जाएगा। ये फाइनल डिविडेंड है इसीलिए अभी तक रिकॉर्ड डेट नहीं आया, जैसे ही रिकॉर्ड डेट होगा आप सभी को पता चल जाएगा जो इस स्टॉक के शेयर होल्डर्स रहेंगे। अब हम आते हैं मेन चीज़ जो है कंपनी के नंबर्स। कंपनी के नंबर्स पे अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले कंपनी ने इनकम कितना जनरेट किया है। सबसे पहले अगर मार्च 31, 2020 की बात करें तब इनकम जनरेट किया था 30,821, और ये सभी फिगर्स रुपीज़ इन मिलियंस है। टॉप राइट कॉर्नर में आपको दिख रहा है रुपीज़ इन मिलियंस के फिगर है। तब फिगर जनरेट हुआ था, रेवेन्यू जनरेट हुआ था, इनकम जनरेट हुआ था 30,821 के आसपास। एज पर December 31, 2020 की बात करें तो वो बढ़कर 32,217 पे आ गया था, और अगर 31 मार्च 2021 की बात करें तो फिगर बढ़कर 33,724। तो ईयर ऑन ईयर देखिए तो ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास जंप हुआ है, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ऑलमोस्ट 1200 के आसपास जंप हुआ है। ये सभी फिगर्स मैं रिपीट कर रहा हूँ, रुपीज़ इन मिलियंस है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले फिगर्स को समझिए तब जाके आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत कम इन्वेस्टर्स इन चीज़ों को समझते हैं और इसीलिए उनका जो रिज़ल्ट होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। ये चीज़ों अगर आप समझ के इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिज़ल्ट हमेशा इनकंसिस्टेंट होगा, सिर्फ आपको टाइम देने आना चाहिए। अगर आप में पेशेंस है तो आपको रिज़ल्ट हमेशा स्टॉक मार्केट में अच्छा ही मिलेगा।
अब हम आते हैं एक्सपेंसेस के ऊपर। एक्सपेंसेस अगर 31 मार्च 2020 की बात करें तो करीबन 25,307 के आसपास था। एज़ पर 31 दिसंबर 2020 की बात करें तो 25,223 के आसपास। और अगर मार्च 31 की बात करें 2021 की बात करें तो 26,556, यानी कह सकते हैं एक्सपेंसेस भी इन लाइन में है, इंटैक रखा है कंपनी ने, का एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखा है, इसीलिए इतना रिजल्ट कंसिस्टेंट आया है। अगर उसके बाद हम टोटल प्रॉफिट की बात करें, अगर टोटल प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट दोनों की अगर बात करें हम, तो टोटल प्रॉफिट अगर हम देखें तो कंपनी का एज़ पर मार्च 31, 2020 की बात करें तो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी टोटल प्रॉफिट था 5,500 के आसपास। उसके बाद 31 दिसंबर 2020 की बात करें तो 6,990 के आसपास टू बी प्रिसाइज। और अगर मार्च 31, 2021 की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था करीबन 7,160 के आसपास। तो यानी ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट कह सकते हैं 1600-1700 पॉइंट का ग्रेस हुआ है प्रॉफिट्स में, टोटल प्रॉफिट में। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिने तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का ग्रेस हुआ है। ये सभी फिगर्स मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रुपीज़ इन मिलियंस है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 4,275 एज़ पर 31 मार्च 2020 की बात करें, एज़ पर 31 दिसंबर 2020 की बात करें तो 5,190। और अगर 31 मार्च 2021 की बात करें तो 5,450, यानी ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट कह सकते हैं 1200 पॉइंट का रेस। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का रेस हुआ है प्रॉफिट में। तो रेवेन्यू बढ़ा है बाय डिफ़ॉल्ट, एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखा है कंपनी ने, इंटैक रखा है, इनलाइन रखा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बाय डिफॉल्ट ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों तरीके से बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और साथ ही में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है। तो ये चीज़ों को आपको समझना है और उस हिसाब से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्वेस्टमेंट में। जब भी आप कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसका फ्यूचर इम्प्लीकेशंस अच्छा है, जिसने पास्ट में अपने रिकॉर्ड्स में क्वार्टर्स में क्वार्टर के नंबर में जंप दिया है, वैसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कैपिटल हमेशा सिक्योर रहेगा। सिर्फ आपको टाइम देना आना चाहिए। अगर स्टॉक कंसोलिडेशन में मोड में गया है, जैसे L&T के सभी स्टॉक हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है, L&T ग्रुप टाटा ग्रुप के स्टॉक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो कंसोलिडेशन मोड में जाता है, लेकिन जब भी रिटर्न देता है तो वो कंसोलिडेशन का पूरा रिटर्न विद इन शॉर्ट टाइम शॉर्ट ड्यूरेशन में दे देता है। तो ये चीज़ आपको समझना है। अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो एज़ पर 31 मार्च 2020 का अर्निंग्स देखें तो अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो करीबन 24 रुपये के आसपास था। 31 दिसंबर 2020 की बात करें तो करीबन 29 रुपये के आसपास। और अगर 31 मार्च 2021 की बात करें तो करीबन 31 रुपये के आसपास। तो अर्निंग्स पर शेयर भी बाय डिफॉल्ट बढ़ा है फ्रॉम 24 to 29 एंड 29 to 31 रुपीज़। तो अर्निंग्स पर शेयर भी काफ़ी अच्छे से बढ़ा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अब हम आते हैं कंपनी के रिजर्व्स पे। अब जो आपके स्क्रीन पे आपको डेटा दिख रहा है वो फ्रॉम मार्च 16 से लेके मार्च 20 यानी 5 साल का आपको डेटा दिख रहा है। रिजर्व्स की बात करें तो करीबन 1840 के आसपास थे, सभी फिगर्स रुपीज़ इन मिलियंस हैं। 1840 के आसपास फिगर थे एज़ पर मार्च 2016। मार्च 2017 की बात करें तो फ्रॉम 1850 से सीधा जंप किया 2950, उसके बाद 3700, उसके बाद मार्च 2019 की बात करें तो 4600, और उसके बाद अगर मार्च 2020 की बात करें तो 5200। यानी रिजर्व्स भी काफ़ी बढ़िया है कंपनी के टिल मार्च 2020। लॉन्ग टर्म डेप और शॉर्ट टर्म डेप दोनों ही क्लियर कट आपको जीरो दिख रहा है फ्रॉम मार्च 16 टू मार्च 20। लॉन्ग टर्म डेप टोटल जीरो है और शॉर्ट टर्म डेप की बात करें तो सिर्फ मार्च 16 में करीबन 54 करोड़ का कर्जा था, जो मार्च 17 में ज़ीरो, मार्च 18 में ज़ीरो, मार्च 19 में ज़ीरो और मार्च 20 में भी ज़ीरो। यानी कि कंपनी टोटली डेप फ्री है पिछले 5 सालों से। कंपनी अपने पैसे से कर्ज काम कर रही है और अपने पैसे से अपने इन्वेस्टर्स को इतना अच्छा ग्रोथ दे रही है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। कंपनी जब अपने पैसे से काम करती है तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट ग्रोथ अच्छा होता है, उसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस ब्राइट रहते हैं और कंपनी ज़्यादा एक्सपांड कर पाती है क्योंकि उस पर कोई लायबिलिटी नहीं रहता है। जब भी कोई कंपनी पे लायबिलिटी रहता है तो स्ट्रेसफुल काम करती है कंपनी को, कह रहता है कि पहले मैं कर्जा ख़त्म करूँ उसके बाद एक्सपांशन का सोचूँ। लेकिन यहाँ पे कंपनी के पास खुद के पास ही इतना पैसा है कि वो खुद अपना एक्सपांशन खुद अच्छे से कर पाएगी। कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो कैश इक्विवेलेंट्स एज़ कम्पेयर टू एज़ ऑन मार्च 2016 की बात करें तो करीबन 122, मार्च 2017 190, मार्च 2018 250, मार्च 2019 215 और मार्च 2020 की बात करें
तो 371 यानी 371 यानी ऑलमोस्ट कह सकते हर बार कैश इक्विवेलेंट्स बढ़ा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कंपनी का। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग कॉन्स्टेंटली 74% पे रहा है फ्रॉम मार्च 2020 से लेके मार्च 2021 तक, एक भी शेयर्स प्रमोटर्स ने अपने गिरवी नहीं रखे हैं। और अगर FIS शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो FIS का इंटरेस्ट कह सकते हैं हर क्वार्टर में बढ़ा है फ्रॉम मार्च 2020 टू मार्च 2021, हर बार कोई ना कोई परसेंटेज से FIS ने अपना स्टेक बढ़ाया इस पर्टिकुलर स्टॉक में, फ्रॉम 9.48% इस समय करीबन 13.55%। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज़ है, बहुत रेयर सिनेरियो है देखने के लिए कि FIS हर क्वार्टर में इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। DIS होल्डिंग की बात करें तो DIS थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मोड में दिख रहे हैं इस समय, फ्रॉम मार्च 7.19 to 4.28% फ्रॉम मार्च 2020 टू मार्च 2021। DIS का मोड कह सकते हैं उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत। और अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक शेयर होल्डिंग कंसिस्टेंट रहा है फ्रॉम मार्च 2020 टू मार्च 2021 इन अ परसेंटेज ऑफ 8.8 से लेके 7.8 कह सकते हैं, इन लाइन और इनटैक रहा है पब्लिक शेयर होल्डिंग भी। तो प्रमोटर होल्डिंग बढ़िया है, कंपनी के रिजर्व्स बढ़िया है, लॉन्ग टर्म डेप्ट शॉर्ट टर्म डेप्ट दोनों जीरो है, कैश इक्विवेलेंट्स बढ़िया है। और साथ ही में हमने देखा कि कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी के जो रिसेंट Q4 नंबर्स आए वो भी काफ़ी अच्छे से बड़ा स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे। कंपनी का अगर नाम देखें, जैसे हम जानते हैं L&T इन्फोटेक, इसका अगर हम 52 वीक लो देखें तो करीबन 1503 के आसपास था, और अगर 52 वीक हाई देखें जो रिसेंटली इसने टच किया था वो था 4480 के आसपास। आज के दिन पे अगर इसका क्लोजिंग देखें तो 3900 के प्लस के ऊपर ही बंद, 3900 के ऊपर ही बंद ये स्टॉक बंद हुआ है। और अगर डे हाई देखें इस पर्टिकुलर स्टॉक का तो आज के दिन पे 3984 का इसका डे हाई था। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, बहुत ही अच्छे से इसने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। एक मंथ के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 4400 का हाई मारने के बाद ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ आ रहा है, 3000 कह सकते हैं 3600 तक ये स्टॉक गया था ये एक महीने में जो इसका बॉटम था, और उसके बाद वापस ऊपर की तरफ अब आ रहा है जब इसके Q4 नंबर्स ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। एक ईयर का चार्ट पैटर्न की बात करें, जैसे मैंने कहा 1503 का इसका बॉटम था 52 वीक लो, और अगर 52 वीक हाई की बात करें तो करीबन 4480 के आसपास इसका 52 वीक हाई है। और अब हम आते हैं मेन चीज़ समझना है, पाँच साल का चार्ट पैटर्न। जब 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो करीबन स्टॉक की शुरुआत अगर देखें तो 600 रुपये के आसपास हुई थी, और आज ये स्टॉक विद इन 5 ईयर्स ऑफ टाइम 4000 रुपये पहुँच गया है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं 8 गुना इस स्टॉक ने या 7 गुना इस स्टॉक ने अपना रिटर्न दिया है, मोर देन 7% रिटर्न दिया है, मोर देन 7 टाइम्स रिटर्न दिया है टू बी प्रिसाइज, सॉरी मोर देन 7 टाइम्स इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि जब भी आप ऐसे स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं 5 साल के लिए तो इसका रिटर्न कितना बढ़िया आपको मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ सेट ऑफ क्वांटिटी को होल्ड कीजिए 3 से 5 साल के ड्यूरेशन में, और कुछ सेट ऑफ क्वांटिटी को इन एंड आउट कीजिए एज़ पर द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक एंड एज़ पर द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा रहेगा, आपको काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिले रहेंगे इस स्टॉक के बारे में। आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहे हैं, साथ ही में आपको मेरा वेबसाइट का नाम भी फ्लैश हो रहा है। आपको अगर इक्विटी में, कमोडिटीज़ में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए या नए पोर्टफोलियो बनाना है या फिर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करने हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे आप, तो आपको अगर कंसल्टेशन या कोचिंग की ज़रूरत है तो आप वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए, आपको कंसल्टेशन या कोचिंग दोनों का कॉलम मिल जाएगा आपको, उसमें आप कोचिंग कंसल्टेशन बुक कीजिए। आपको एग्जैक्टली मैं सॉल्यूशन बता दूंगा कि आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कैसे आप अच्छा से मैनेज कर पाएंगे, और अगर आपको नया पोर्टफोलियो बनाना है तो वो उसके लिए भी आपको एग्जैक्ट गाइडलाइंस मिल जाएगी। थैंक यू।